सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार, इसकी खबर आ रही है। उमर के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नहीं मिली थी। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी फरार चल रहा है, ये बड़ी खबर और झटका ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नहीं मिली, सुनवाई से इनकार कर दिया है मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने। फरार चल रहा है वो, ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को निराशा हाथ लगी है, उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जमीन हड़पने के मामले में सुनवाई से इनकार किया है, इसी मामले में याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है, ये बड़ी अपडेट दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और अब उमर के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में सुनवाई से जो है वो अब। और एक और बड़ी खबर, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर 2 जून को आरोप तय होंगे। उमर के मऊ कोर्ट में पेश नहीं होने से सुनवाई टल गई है। अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में यह आरोप तय होने थे। अब्बास के भाई उमर की तलाश में मऊ की पुलिस जुटी हुई है। उमर अंसारी फरार है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और इस बीच में मऊ कोर्ट हेड स्पीच के मामले में तय आरोप होने थे अब्बास अंसारी पर। अब्बास के भाई उमर की तलाश में मऊ की पुलिस जुटी हुई है, अब्बास के ऊपर आरोप तय होने थे हेड स्पीच के मामले में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।